मद्देनजर ड्रोन कैमरे की मदद से पुलिस ने परखी शहर की सुरक्षा व्यवस्था। एसपी सिटी ने कहा, सड़क से लेकर आसमान तक की जा रही निगरानी। त्योहार में खलल डालने वालों पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई। टेली कंसल्टेशन से मरीजों का इलाज करने वाले 10 डॉक्टरों को जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में किया गया सम्मानित। चिकित्सकों ने स्वच्छता का व्यवहार अपनाकर बीमारियों को दूर भगाने की ली शपथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर से बच्चों से भरी पर्यटन टूरिस्ट बस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर करवाएगी भ्रमण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में लगाए जनता दरबार। 200 फरियादियों की सुनी फरियाद। समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में लिया भाग। A to Z पुस्तक का किया विमोचन। उद्यमियों को किया सम्मानित। कहा, पर्यटन हम लोगों के जीवन में लाता है परिवर्तन। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी के नेतृत्व में निषाद समाज की सभी उपजातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण देने की मांग। 30 सितंबर को नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में करेंगे धरना प्रदर्शन। महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित सौंपेंगे ज्ञापन। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। आपको बता दें कि विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यटन पर आधारित A to Z पुस्तक का विमोचन किया। तत्पश्चात उन्होंने पर्यटन उद्यमियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। छात्रों व छात्राओं को किट प्रदान किया। वहीं विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्र व छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कार्य कर रही है। सरकार पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग को निर्देशित कर रही है। उन्होंने कहा कि पर्यटन हम सबके जीवन में एक नया परिवर्तन करता है और जीवन को जीने की नई विधा हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। प्रदेश में इस बार 30 करोड़ लोगों ने प्रदेश के पर्यटक स्थलों का विजिट किया है। इससे वहाँ के धर्मशाला, होटल का भी व्यापार बढ़ा है। उन्होंने कहा, कहीं भोजन किया होगा और फोटो भी खींचा होगा और धार्मिक स्थलों पर फूल चढ़ाया होगा। इससे लाखों लोगों की आजीविका चलती है। काशी विश्वनाथ धाम में सावन के महीने में 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। इससे पहले वहां पर लोग नहीं आते थे क्योंकि उनके लिए सुविधाओं को बढ़ाया गया। अब पूरी दुनिया काशी का दर्शन कर रही है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। पहले असुविधा थी लेकिन अब सभी सुविधा दी जा रही है। अब पूरी दुनिया दर्शन करने के लिए टूट ही पड़ गई है। पहले मथुरा वृंदावन में लोग जाते थे तो परेशानी होती थी लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि अब सुविधाएं बढ़ी हैं। श्रद्धालु आसानी से दर्शन कर सकते हैं। विंध्यवासिनी धाम में आसानी से दर्शन हो रहा है। पहले रामगढ़ताल अपराध का अड्डा बना करता था लेकिन अब बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं और नौकायन भी करते हैं, जो कि प्राकृतिक झील है। इससे नाविकों का आजीविका चलती है। इसके अलावा पटरी व्यवसायियों की आजीविका चल रही है। रामगढ़ताल पर कोई टैक्सी या कोई अपने साधन से घूमने आता है। हम लोगों को ये भी ध्यान देना होगा कि पर्यटक स्थलों की सफाई बनी रहे, कोई वहाँ पर गुटखा खाकर ना थूके क्योंकि इससे गोरखपुर की छवि खराब होती है। रामगढ़ताल में सी प्लेन चलाने की आवश्यकता है जिससे पर्यटक यहीं से उड़कर कहीं और चले जाएं और फिर दोबारा यहाँ आ जाएं। गोरखपुर से अब 14 फ्लाइट चल रही है। हजारों यात्री पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं व पर्यटन स्थलों को बढ़ावा दे रहे हैं। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन, MLC धर्मेंद्र सिंह, विपिन सिंह, महापौर मंगलेश श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
लिए जो है ये सब काम यहाँ पे किया जा रहा है। He's the architecture also, अभी इनके साथ education था, इन्होंने पढ़ाई की बकायदा, जैसे क्या आप एकदम शक्तिशाली हो जाओगे, आपको कोई उद्बोधन के लिए गोरख फाणी महत्वपूर्ण इतिहास तथा मार्गदर्शिका कार्य के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विरासत को बतालिया इनके लिए ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है श्री दुर्गेश यादव ने। राजकीय जुबली इंटरनिंग केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 FCI कविता में प्रथम स्थान प्राप्त सुश्री संध्या कक्षा श्री शक्तिदेव मिश्रा ने। से संबंधित विधान परिषद और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के उपाध्यक्ष, उनका स्वागत करता हूं। श्री विपिन सिंह जी माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण, उनका स्वागत। डॉक्टर विमलेश पासवान जी माननीय विधायक बांसगांव, उनका स्वागत। श्री प्रदीप शुक्ला जी माननीय विधायक सहजनवा, उनका स्वागत। श्री युधिष्ठिर सिंह जी माननीय जिला अध्यक्ष, उनका स्वागत। श्री राजेश गुप्ता जी माननीय महानगर अध्यक्ष, उनका स्वागत। और डेफिनेटली श्रेय बहुत चीज़ों के लिए पूरे प्रदेश में जाता है। वैसे श्री मुकेश कुमार मेश्राम जी प्रमुख सचिव पर्यटन संस्कृति व धर्मार्थ कार्य विभाग, आप बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं मेश्राम जी, आपका स्वागत है। श्री प्रखर मिश्रा जी निदेशक पर्यटन, उनका स्वागत है। तो बच्चों आप लोग आए हैं, भांत भांत के स्कूल से आए हैं, ऊपर देख रहा हूँ नीचे सब लोग, आप लोग भविष्य हो इस देश का। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच जो रही है कि कैसे स्थल को बढ़ाया जाए, कैसे टूरिज्म को बढ़ाया जाए, पूज्य महाराज जी ने उसी दिशा निर्देश को, उसी आदेश को, उसी पद चिन्हों पर चलते हुए उत्तर प्रदेश में एक नज़ीर पेश किया और वो किसी से छिपा नहीं। आज मैं जब छोटा था तो मुझे पता नहीं था स्विट्ज़रलैंड कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड के बारे में जानता भी नहीं था, बहुत छोटा सा एक देश है स्विस, स्विट्ज़रलैंड लंदन से थोड़ा आगे। जब यश चोपड़ा की फिल्में आने लगी तो मुझे पता चला कि स्विट्ज़रलैंड इतना सुंदर है, वहाँ बर्फ है, वहाँ गुलाब के फूल के ऐसा बगान है, सॉन्ग्स में देखता था बड़ा है, यहाँ सारी होटल्स बुक हैं, छोटे बड़े सब होटल बुक हैं। तो ये रोज़गार का बहुत बड़ा जरिया बनता है पर्यटन। अब हमारे धार्मिक चीज़ें, गोरखनाथ मंदिर सब लोग जाते हैं, वैसे अब अयोध्या राम मंदिर बनेगा, बाबा विश्वनाथ का मंदिर बन गया, तो लोग गोवा से ज़्यादा लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट बाबा विश्वनाथ में गए और बच्चे गए, NRI सब लोग आ रहे हैं, अब सब लोग गोवा नहीं जाते, बाबा विश्वनाथ जा रहे हैं। धर्म के प्रति आस्था बढ़ रही है, संस्कृति के प्रति, अपने इतिहास के प्रति। इतना सुंदर है, 6 लेन है, 4 लेन है, रिंग रोड बन रहा है, फर्टिलाइजर है, एम्स है, अनगिनत कुसुमी जंगल है, बुढ़िया माता का मंदिर है, वहाँ पे महाराज जी ने सड़क दे दी, वहाँ पे बिजली व्यवस्था, होटल अभी 5-स्टार होटल की यहाँ पे लाइन लग रही है लगातार, अभी मैरिट हो गए, अभी ताज का काम शुरू होगा, अभी 100 रूम्स का ये क्रूज शुरू हो जाएगा, वहाँ रमाडा बन गया है, अनगिनत और होटल्स आ रहे हैं, वहाँ गीडा इंडस्ट्रियल एरिया है, सो टूरिज्म 14 एयरक्राफ्ट चल रहे हैं, तो सब लोगों को आना आसानी होगी। 1 लाख लोग रोज ट्रेन से आवागमन कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन अब अभी ऐतिहासिक हो जाएगा,
तो गोरखपुर में आज हम कहीं गए थे कुछ इनॉग्रेशन में, सब कैलकटा के लोग आए थे, सब रिच जेंट्री थे, एजुकेटेड लोग थे, हमसे बोल रहे थे गोरखपुर इज बिकम सो ब्यूटिफुल नाउ, सो क्लीन सिटी। तो ये सारी चीज़ें पर्यटन, आज महाराज जी ने सुबह में कुछ बच्चों के स्कूल का बहुत सारी बसों को 10 बस भेजी जो कुशीनगर के लिए टूरिज्म में गए, कि यू मस्ट नो योर हिस्ट्री। आप लोगों का आपको इतिहास जानना बहुत ज़रूरी, कि आपकी जड़ें क्या हैं, आपके भगवान कौन थे, आपकी संस्कृति क्या, आप लोग सनातनी विचारधारा के हो तो आपका इतिहास क्या, आपके इतिहासकार क्या थे, भारत की जड़ें क्या थी, भारत कितने सालों से था, भारत कितने वैदिक मंत्रों के साथ गया था, चंद्रयान पे जाने के लिए भी वैदिक मंत्रों का इस्तेमाल सोमनाथ जी जो इसरो के हेड थे उन्होंने कहा कि इट्स ऑलरेडी मेंशन इन वैदिक शास्त्र कि कहाँ पर चंद्रमा की दूरी होगी, कहाँ सूर्य की दूरी होगी, वो सारे हनुमान चालीसा में भी है। पर्यटन दिवस पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री बिपिन सिंह जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, प्रमुख सचिव पर्यटन श्री मुकेश मिश्राम जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के अंदर पर्यटन विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए और इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले सभी महानुभाव और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले पूरे प्रदेशवासियों को विश्व पर्यटन दिवस के हृदय से बधाई देता हूं। पर्यटन हम सबके जीवन में एक नया परिवर्तन करता है, एक नया माहौल हम सबको देता है। मिला वे किसी होटल में धर्मशाला में रुके होंगे, वहां का रोजगार वहां का ही बढ़ा, किसी होटल किसी रेस्टोरेंट में उन्होंने भोजन भी लिया होगा, कहीं फोटोग्राफी कराई होगी, कहीं सामान खरीदा होगा, मौका विहार किया होगा, धार्मिक स्थलों पर पैसा भी चढ़ाया होगा, फूल पत्ती खरीदी होगी, प्रसाद खरीदा होगा, यानी कितने लोगों की आजीविका जुड़ी हुई उसके साथ, लाखों लोग उसके माध्यम से रोजगार प्राप्त किए और फिर उनकी आजीविका चली है। यह उत्तर प्रदेश की एक धनी इको यानी एक धनी स्पिरिचुअल टूरिज्म की पृष्ठभूमि हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। काशी विश्वनाथ धाम में अकेले सावन के महीने में लगभग 2 करोड़ श्रद्धालु अकेले काशी में आया और काशी में आकर के बाबा विश्वनाथ के धाम का दर्शन किया। अनुमान कर सकते हैं पहले इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं आते थे, लेकिन जब धाम बना वहां पर्यटन की सुविधाएं बढ़ी, लोगों के लिए अच्छी सुविधाएं आई, आसानी से दर्शन हो सकता है, लोगों के सामने संदेश गया, तो पूरा देश और पूरी दुनिया काशी के लिए उमड़ पड़ती है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, पहले असुविधा थी आज सुविधा है, तो पूरा देश और पूरी दुनिया अयोध्या के लिए दर्शन करने के लिए टूट पड़ती है। पहले मथुरा वृंदावन में लोग जाते थे, परेशानी होती थी, आज बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं क्योंकि आज सुविधाएं बढ़ी हैं,
आसानी से पहुंच सकते हैं, दर्शन करने में उतनी दिक्कत नहीं है जितनी पहले थी, तो लोग आसानी से दर्शन कर लेते हैं। आप में से बहुत सारे लोग विंध्यवासिनी धाम मिर्जापुर गए होंगे, पहले कंजेशन था, आज वहां कॉरिडोर बन रहा है, आज सुविधा बढ़ चुकी है, पहले की तुलना में कई गुना लोग वहां पर आए हैं। फिर पिया वहीं फेंक दिया, सड़क पर फेंक दिया। अब तक अगर 10,000 लोग आएंगे, 10,000 बोतलें, 10,000 डिब्बे किसी सड़क पर पड़े रहेंगे, क्या वह सड़क और वह क्षेत्र सुंदर रह पाएगा? कभी नहीं रह पाएगा, कितना गंदा दिखेगा। कोई बाहरी व्यक्ति आएगा, बोलेगा भाई कैसे गंदे लोग हैं जी। आपके बारे में पहली टिप्पणी बाहर से आने वाले व्यक्ति की क्या होगी? देखिए साहब, कितने गंदे लोग हैं, कितनी मेहनत करो और उस सब के बावजूद कुछ लोग आकर के गंदा कर देंगे, हमारा दायित्व होता है नहीं, हम गंदा नहीं करेंगे। और अगर करेंगे नहीं तो कराने भी नहीं देंगे, किसी को करने भी नहीं देंगे। कोई व्यक्ति प्लास्टिक बैन है, लेकिन फिर भी कुछ लोग आदतन प्लास्टिक के पॉलिथीन पर, प्लास्टिक के ही बैग में जबरदस्ती सामान लेकर के चलते हैं और फिर उपयोग किया, फिर उसको फेंक दिया। हवा का एक झोंका चलता हो, प्लास्टिक यहां से वहां उड़ गया, फिर वहां से झोंका चलाओ, फिर यहां आ गया और फिर सड़क को कूड़ा के ढेर में बदल देता है। गाय खाएगी, बीमार हो जाएगी, नाली में गिरेगा, नाली के पानी को ब्लॉक कर देगी, और जब पानी ब्लॉक होगा तो डेंगू भी होगा, इंसेफ्लाइटिस भी होगा, मलेरिया होगा, चिकनगुनिया होगा, तमाम प्रकार की बीमारियां भी होंगी। हमें इन सबसे मुक्त रहना पड़ेगा, स्वच्छता के प्रति जागरूक होना होगा, और जागरूक होने के साथ साथ हमें इन चीजों के बारे में भी ध्यान रखना होगा कि हमें स्वच्छ बनाए रखना भी है, अपने स्तर तो रखना ही रखना है, दूसरे को भी गंदा नहीं करने देना है। अगर हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई कारण नहीं कि आपके यहां पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। तीसरा, पर्यटन की इन संभावनाओं के साथ, ग्रीन इन्वेस्टमेंट की जब बात हो रही है, हमें सोचना चाहिए क्या जो प्रमुख पर्यटन स्थल है वहां के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक बस सेवा उपलब्ध कराने के लिए निजी ऑपरेटर को इसके लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। हम तो इस बात को तय करें, कोई भी पर्यटन स्थल, मंदिर है, कोई बड़ा धाम है, अच्छा कोई स्पॉट है, कि वहां केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चलेंगे, डीजल और पेट्रोल से चलने वाला कोई भी वाहन नहीं चलेगा, ई रिक्शा, इलेक्ट्रिक बसेज, इसी को प्रोत्साहित करेंगे। लोगों को एक बहुत अच्छा वातावरण मिलेगा वहां पर, अपने आप एक आध्यात्मिक वातावरण मिलेगा, एक सकारात्मक वातावरण मिलेगा। क्या हम ये व्यवस्था दे सकते हैं कि कनेक्टिविटी को भी हम ग्रीन व्यवस्था के साथ जोड़े, लेकिन साथ साथ वहां के अंदर भी हम लोगों का प्रयास होना चाहिए, पर्यटन स्थल के अंदर भी हम लोग इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि उस पर्यटन स्थल को हम इस ढंग से डेवलप करें कि डीजल के सेट वहां उपयोग ना बनाए लगाने पाए, जनरेटर भी न चले, सोलर लाइट की व्यवस्था करें, कोई ऐसी व्यवस्था करें जो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से उस क्षेत्र के इलेक्ट्रिफिकेशन की व्यवस्था को पूरा कर सकते हो, और वहां से फिर हम व्यवस्था को अगर आगे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके चेंज आएगा। लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना, इसके स्टेक होल्डर्स को ढूंढना, उस फील्ड में नए नए अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करना, और लोकल यूथ को गाइड के रूप में प्रशिक्षित करना, स्थानीय भाषा में साइनेजेस लगाना, जैसे यहां पर हिंदी में भी लग सकता है, हिंदी है, इंग्लिश है,
इसके अलावा और कौन भाषा है, कहां के लोग ज्यादा आते हैं, उसकी मैपिंग करना, कहां के लोग आएंगे, लेकिन भी दिखाई देती। कुछ चीजें हैं जिस पर कार्य हुआ था लेकिन उसको बहुत आगे बढ़ा नहीं पाए, जैसे मंदिरों में लोग पुष्प चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाने के बाद स्वाभाविक रूप से पुष्प की एक आयु होती है, 12 घंटे 14 घंटे 22-24 घंटे के बाद खराब हो जाते हैं, उनको उठा के फिर फेंक दिया जाता है। एक तो भगवान को अर्पित की गई चीज फेंकना पड़ता है, क्या हम उसका कोई उपयोग कर सकते हैं, उससे अगरबत्ती बन सकती है, उससे इत्र बन सकता है, उससे धूप बन सकती है, और बाकी जो थोड़ा वेस्ट बचेगा वो कंपोस्ट में आ जाएगा, कम से कम सड़क पे तो वेस्ट नहीं जाएगा, सड़क को भी गंदगी नहीं करेगा और साथ साथ आस्था का भी अपमान नहीं होगा। हमें एक सिस्टम के साथ उसको जोड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। लोगों को इसमें भी रोजगार सृजित हो सकता है, बहुत सारे लोगों को कि गोरखपुर से जुड़े हुए या किसी भी अस्पताल से जुड़े हुए सभी मंदिरों के सभी धर्मस्थलों के जहां जहां पुष्प चढ़ते हैं सभी पुष्प को एक जगह एकत्र करवाना और फिर उसको हम एक सिस्टम के साथ जोड़ दें, बहुत सारे लोगों को उससे रोजगार मिल सकता है, सफाई भी रहेगी और साथ साथ आपको रोजगार के भी सृजन की नई संभावनाओं को विकसित किया जा सकता है। और गोरखपुर में तो इस दिशा टूरिज्म की दिशा दोनों तीनों प्रकार की टूरिज्म है, भारत की ज्ञान की प्राचीन परंपरा के साथ जोड़ने के लिए गीता परेश आपके पास है, धार्मिक दिशा गोरखनाथ मंदिर है, इको टूरिज्म की दिशा अगर आप आएंगे रामगढ़ ताल, इतना अच्छा ताल आपके पास है, आपको हेरिटेज टूरिज्म के साथ जोड़ना है तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को यही गोरखपुर में फांसी दी गई थी, गोरखपुर जेल में जाकर के देखे उनके स्मारक को, या लाल टिक्की में जहां पर उनका क्लश आज भी स्थापित है वहां पर जाकर के देखिए, या गोरखपुर के उन क्षेत्रों में जहां पर 1857 के महान क्रांतिकारी वीर बंधु सिंह को फांसी दी गई थी आर्य नगर में, उस स्थल पर जाकर के हम देखें, उसका अवलोकन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय आपके आगमन। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290, कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोरखपुर न्यूज, मैं हूं मनोरमा। आइए नजर डालते हैं दिन भर के घटनाक्रम पे। गोरखपुर पुलिस ने ड्रोन कैमरे के जरिए नगर की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। शबे बारात और गणेश प्रतिमा विसर्जन को लेकर पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। पैदल गश्त कर पुलिस वालों ने लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया। SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बख्शीपुर में ड्रोन उड़ाकर सुरक्षा परखी। पूर्व में धर्म गुरुओं के साथ शांति समिति की बैठक करने के बाद पुलिस अपने स्तर से भी व्यवस्था को व्यापक स्तर पर दुरुस्त करने में जुटी है। आपको बता दें, मंगलवार को SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कोतवाली इलाके के विभिन्न मोहल्लों में ड्रोन कैमरा चलाकर छतों की निगरानी की। SP सिटी ने बख्शीपुर स्थित मियां साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज से जुबली रोड, बख्शीपुर चौक, थवई पुल, दीवान बाजार आदि स्थलों पर ड्रोन उड़ाया और उसके माध्यम से संवेदनशील अति संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण किया। पुलिस ने ड्रोन के माध्यम से नगर के मकानों की छतों का भी भौतिक निरीक्षण किया। इस संबंध में SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी, अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि ड्रोन की मदद से संकरी गलियों में ये देखा गया कि कहीं छतों पर ईंट पत्थर तो नहीं है, हालांकि कहीं पर कोई आपत्तिजनक सामान नहीं दिखा। पुलिस त्योहार और सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से सतर्क है। सड़क से लेकर आसमान तक से निगरानी की जा रही है। इस दौरान कोतवाली CO अनुराग सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे।
मैक्सिमम के मोटर लग गया मैक्सिमम इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में आगामी त्यौहार जिनमें बराफात और गणेश चतुर्थी के विसर्जन और अन्य भी त्यौहार आ रहे हैं, उन सभी को दृष्टिगत रखते हुए थाना कोतवाली क्षेत्र के कई क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाकर सभी की छतें चेक की गई, ताकि किसी प्रकार की कोई ऐसी सामग्री छतों पर ना इकट्ठी कर रखी हो जिसकी वजह से शांति भंग होने का डर हो, इसलिए इन ड्रोन को उड़ाया गया है। लगभग सभी छतें साफ मिली है और जिन जगहों पे थोड़ा बहुत कुछ इस तरह के ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल मिले उनको फ़ोटो खींचे गए हैं, वो उनको भेज दिए जाएंगे। ये एक तरीके से एक प्रिवेंटिव मेजर है, किसी भी त्यौहार से पूर्व उसको शांतिपूर्वक तरीके से समाप्त हो, उसके लिए ड्रोन उड़ाया गया है। यहाँ भविष्य में भी ड्रोन उड़ाए जाएंगे और पेट्रोलिंग है वो समय समय पर की जाएगी, ताकि सभी लोग शांतिपूर्वक तरीके से इन सब त्यौहारों को मना सकें। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों की एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। गोरखपुर जिले में टेली कंसल्टेशन से मरीजों का इलाज करने वाले 10 डॉक्टरों को जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में सम्मानित किया गया। विकास भवन सभागार में हुई समिति की बैठक में चिकित्सकों ने स्वच्छता का व्यवहार अपनाकर बीमारियों को दूर भगाने की शपथ ली। इस संबंध में CMO डॉक्टर आशुतोष दुबे ने बताया कि डॉक्टर आयुष कुमार पांडे, डॉक्टर प्रियंका गुप्ता, डॉक्टर सतीश सिंह, डॉक्टर हरिओम पांडे, डॉक्टर अनीता मिश्रा, डॉक्टर अखलाक अहमद, डॉक्टर राजश्री पासवान, डॉक्टर शिवानंद मिश्रा, डॉक्टर अमित गुप्ता और डॉक्टर निकिता राव को टेली कंसल्टेशन में बेहतर योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। बैठक के दौरान संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक पखवाड़े के बारे में चर्चा हुई। किसी भी प्रकार का बुखार होने पर 108 एम्बुलेंस की मदद लेने के निर्देश दिए गए। बैठक में यूनिसेफ के प्रतिनिधि संदीप श्रीवास्तव, डॉक्टर हसन फहीम, विजेंद्र चौबे, UPTSU के प्रतिनिधि अरविंद और WHO के प्रतिनिधि डॉक्टर जोसना आदि मौजूद रहे। स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूंगा। इस विचार के साथ गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए CMO डॉक्टर आशुतोष दुबे ने कहा, देखिए 1 तारीख को हम लोग जो है स्वच्छता दिवस मना रहे हैं, और जिसमें हमारे सभी चिकित्सालयों में जितने भी चिकित्सालय हैं, जितने भी चिकित्सा कर्मी हैं, वो चाहे CHO हों, चाहे ANM हों, चाहे आशा हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे मेडिकल ऑफिसर्स हों, चाहे पैरामेडिकल हों, सब लोगों को 1 तारीख को हम सभी लोग जो है 2 घंटे स्वच्छता का कार्य करेंगे। और स्वच्छता
दिवस के रूप में एक तारीख को मनाने का संकल्प किया, उसी के संबंध में उन्होंने सबको स्वच्छता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर बच्चों से भरी पर्यटन टूरिस्ट बस को गोरखनाथ मंदिर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो कि कुशीनगर भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण स्थल तक जाएगी और भगवान बुद्ध के दर्शन करवाएगी, जिससे स्कूल के बच्चे भगवान बुद्ध के बारे में जान सकेंगे। बस के रवाना होने के पहले बच्चे सीएम को अपने बीच पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने बच्चों से पूछा कि घूमने के लिए तैयार हैं, तो सभी ने एक स्वर में हाँ कहा और बस कुशीनगर के लिए रवाना हो गई। बस में 50 बच्चे सवार थे। उन्होंने 11 बसों को रवाना किया, जो कि कुशीनगर भ्रमण करवाएगी, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश के पर्यटन निदेशक प्रखर मिश्रा ने बताया कि विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर 350 छात्र व छात्राओं को रवाना किया गया है, जो कि युवा पर्यटन क्लब के तत्वाधान में किया गया है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन, महापौर मंगलेश श्रीवास्तव, MLC धर्मेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश के पर्यटन संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के पर्यटन निदेशक प्रखर मिश्रा ने कहा, आज विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर 350 छात्रों को युवा पर्यटन क्लब के जो सदस्य हैं, युवा पर्यटन क्लब की स्थापना पर्यटन विभाग द्वारा कराई गई है, ताकि युवाओं को पर्यटक गंतव्यों के प्रति जागरूक किया जा सके और पर्यटन में उनकी रुचि उत्पन्न करी जा सके। इसी क्रम में 350 युवा पर्यटन क्लब के सदस्यों को आज कुशीनगर भ्रमण हेतु रवाना किया गया है। इनके साथ ही मीडिया कर्मी एवं व्लॉगर्स भी इस भ्रमण कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, ताकि बौद्ध परिपथ का एक महत्वपूर्ण पर्यटक गंतव्य कुशीनगर का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा सके। प्रखर मिश्रा, निदेशक। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है।
अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है डीपी ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं एक एक फरियादी के पास जाकर उनके प्रार्थना पत्र को हाथ में लेकर अधिकारियों को निर्देशित करते नजर आए। उन्होंने फरियादियों से कहा कि जब किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार आपके साथ है, सभी के साथ न्याय होगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि फरियादियों की समस्या का 100% निस्तारण किया जाए, जिससे फरियादियों को चक्कर ना लगाने पड़े। उन्होंने कहा यदि कोई फरियादी किसी बीमारी से पीड़ित है तो उसका इंस्टीमेट बनाकर शासन को भेजे, सरकार उसका इलाज करवाएगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कौन कलर से पढ़ती है? एक मैं बाबा जी, हमको थोड़ा हम बच्चे लेकर घर पर बच्चे हैं हमारे, कहाँ सब लड़की कर रही है अभी बंद करो और जो उनको बचा रहे हो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करो। कहाँ से आए हैं? कुशी नगर का नाम से बोलते बोलते निकले शाहजहाँ को, हम जांच करवा लेते हैं। ऐसे नहीं करवा दी, कुशी नगर का मामला कहाँ से आए हैं? हाँ तो इसका एस्टिमेट वगैरह कहाँ उपचार हो रहा है? सर उसको देखेंगे लेकिन एस्टिमेट बना देते हैं। सर एस्टिमेट लगा है, घबराओ हर वही सर। ये बलिया का मामला, आप कहाँ से हैं? बलिया से। इसको नोट करो, आप बताएं क्या हो गया? क्या हो गया है? एक साल पहले गई थी। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी के नेतृत्व में निषाद समाज की सभी उपजातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण देने की मांग को लेकर 30 सितंबर को नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में सुबह 11 बजे से धरने प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी ने कहा कि शनिवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में सुबह 11 बजे निषाद समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को लेकर एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। सभी सजातीय लोगों से अपील है कि कार्यक्रम में पहुंचकर उसे सफल बनाए, जिसमें निषादों की सभी उपजातियों को आरक्षण देने का पत्रक महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी गोरखपुर के माध्यम से सौंपा जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी ने कहा, चार समाज को अनुसूचित जाति की सुविधा दिलाने की मांग को लेकर के 30 सितंबर शनिवार को गोरखपुर जनपद के नगर निगम के लक्ष्मीबाई पार्क में हमारा धरना प्रदर्शन आयोजित है। उसी धरना प्रदर्शन में निषाद सभी निषादों से अपील करने के लिए कि सभी लोग कार्यक्रम में शामिल हो, और चूंकि निषाद जो समाज हमारा है आज उसकी स्थिति दलितों से भी बदतर है। इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी तक हम लोगों को निषाद अनुसूचित जात का सुविधा नहीं मिल पाया है, उसको लेकर के आज चाहे शैक्षणिक स्तर पे कहिए, प्रशासनिक स्तर पे कहिए, सामाजिक स्तर पे कहिए, हर स्तर पे जो निषाद समाज है वो काफ़ी पिछड़ा है। आज किसी भी विभाग में जाएंगे तो निषाद समाज के लोग नहीं मिलेंगे। देश आज़ादी के बाद आज भी निषाद समाज की स्थितियां सुधर नहीं पाई हैं, तो आज हम निषाद समाज के लोग आरक्षण को लेकर के कि निषादों को अनुसूचित जाति की सुविधा दी जाए, इसी को लेकर के हम लोगों ने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। और अभी पूर्व में आपने देखा तमाम लोगों ने निषाद समाज का आरक्षण के नाम पर वोट लिया। जब जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग निषादों का सम्मेलन करते हैं और सम्मेलन में ये कहते हैं कि आप लोग हमारी सरकार बनाइए, सरकार बनते ही हम निषादों को अनुसूचित जाति के सुविधा देने का काम करेंगे। लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है लोग, इन लोगों ने निषाद समाज को धोखा देने का काम किया है, अभी तक निषादों को ठगने का काम किया है। और हमारे समाज के ही कुछ लोग जो आरक्षण के नाम पर
पार्टी बनाए, संगठन बनाए, और आज जब सत्ता में आ गए हैं, सत्ता में मलाई खा रहे हैं, तो वो भूल गए हैं कि उनके नीचे हजारों लाखों निषाद समाज बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं कि हमें आरक्षण मिलेगा। वो आरक्षण को भूल गए हैं। इस नाते अब निषाद समाज के लोगों ने खुद निर्णय लिया है कि सड़कों पर उतर करके अपने आरक्षण की लड़ाई को, अपनी आज़ादी की लड़ाई को खुद सड़कों पर उतर करके लड़ने का काम करेंगे। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने 30 सितंबर से एक आंदोलन की शुरुआत किया है, और उस दिन हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी गोरखपुर के माध्यम से सौंपेंगे और मांग करेंगे कि निषाद समाज को अनुसूचित जाति की सुविधा दी जाए। इसी को लेकर के हमारा कार्यक्रम